सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ, सो मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। बहुत सारे एक्टर्स आए हैं हमारे कच्ची के, बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स बहुत लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार प्रणाम, हम आप सब के अपन प्रदीप पांडे चिंटू। और आज चूँकि चौथा ग्रीन सिनेमा अवार्ड हो रहा बा 27 मार्च 2022 के मुंबई नगरी मीरा रोड के शिवार गार्डन में, और सबसे पहले तो हम तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता नहीं, ये जौन सिनेमा अवार्ड से जुड़ल जितना भी लोग बा सब के होके दिल से बहुत बहुत आभार, आप सब लोग के बहुत बहुत आभार, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई बंधु जितने भी दोस्त मेरे आए हैं यहाँ पर, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जैसा कि चूँकि ये भोजपुरी सिनेमा का अवार्ड समारोह है, अवार्ड फंक्शन है, तो यहाँ पर चूँकि जितने भी हमारे भोजपुरी सिनेमा परिवार के लोग हैं सभी लोग यहाँ पर, सबका आगमन हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। यही चंद ऐसे कुछ मौके होते हैं क्योंकि हम लोग चूँकि शूटिंग्स पर अपने अपने कार्य में, हर कोई अपने अपने कार्य में व्यस्त होता है, तो ये एक ऐसे शुभ अवसर, ऐसा शुभ मौका मिलता है कि सब लोग एक साथ हो पाते हैं, मिलते हैं, कुछ अपनी बातें करते हैं। और चूँकि जो 2 साल से जो हमारे देश में या पूरे दुनिया में जो कोरोना महामारी ने जो चीज़ें जो डिस्टेंस जो बना दिया था लोगों में, तो ऐसे ही चंद अवसर होते हैं जो लोग करीब आ पाते हैं। और बाकी क्या कह जाओ, इस सिनेमा अवार्ड्स के साथ हमेशा जुड़ल बानी और जेकर ऑर्गेनाइजर बाड़े विजय पांडे जी, उनके तहदिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास करता रहन और उनके तहदिल से शुभकामना और बधाई कि वो हमेशा ये प्रयास जीवन भर जारी रखें। अब वो तो अभी तक हमारा आया नहीं, जब आएगा तो हम लोग को खुद ही पता चल जाएगा। हम लोग को बुलाया गया, हम लोग आ गए और चूँकि एक परफॉर्मेंस भी है हमारा, तो देखिए होप करते कि आप सबको बहुत पसंद आए। तू हंस के बोल रहे जान दिलवा के धड़कन बढ़ गई, बहुत अच्छा हिट गाना रहा है पिछले वर्ष का, बहुत बड़ा हिट गाना रहा है। और हमारा सॉन्ग है कमांडो अर्जुन का, इनका सोलो है, तो मिक्सचर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, आप सबको उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आए। चिंटू जी मिलते हैं परफॉर्मेंस के बाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अवार्ड मिलता बहुत अच्छा लगता है, अवार्ड देती हूँ अच्छा लगता है, लेती हूँ अच्छा लगता है, क्योंकि ये भोजपुरी का है इंडियन अवार्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और संजय भूषण जी का थैंक यू अदा करूँगी, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, बुलाए, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। आज इतना बड़ा आयोजन भोजपुर मीरा रोड में, का कहे के चाहे और कैसे ही प्रेरणा मिलल रहा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड के? देखो प्रेरणा तो आप सबके देखते ही हैं कि का मिलत बा, आए दिन रोज हर वर्ष हर दिन कुछ ना कुछ प्रेरणा तो हम लेते हैं। और ग्रीन सिनेमा अवार्ड आज आप लोग के माध्यम, आज आशीर्वाद से हमें ऐसा लागत आ कि भले आर्टिस्ट सारे बिजी रहन कतौ केव कतौ केव कतौ, लेकिन जे भी रहा हुए जरूर आएगा। जी कोई इवेंट सक्सेस होगा तो सभी को खुशी होती है, सभी को भी खुशी होगी। देखिए जो यहाँ अवेलेबल था सभी आए, अब जिनकी शूटिंग है वो अपनी कोई शूटिंग छोड़ के तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग थे सभी आए। कितना मुश्किल था सर ये आयोजन करना? देखिए इंसान घर की शादी को जब करता है उसमें भी तकलीफ होता है, ये तो पूरी इंडस्ट्रीज को जमा करना, और आपको पता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी प्यारी है, आप सब जानते हैं उसके बारे में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और मुझे उस लायक समझा कि मैंने भी आप लोगों के सम्मान में एक जगह मैंने प्राप्त की। सर कितने दिन की मेहनत रही आपकी? लगभग 2 महीने की। जी अगला आयोजन कब कर रहे हैं सर? अगला आयोजन अगले साल। क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं सर? कठिनाइयाँ तो आती रहती है, हर अच्छे काम में हो या फिर कोई भी काम हो कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं, और फिर भी भगवान के आशीर्वाद से हमारा कार्यक्रम आप लोगों के सामने है। आपके बाजू में सुनीला जी एकदम शांत हो जाए, क्या बात है? भैया शांत इसलिए है कि जैसे बराती के बाद में विदाई होके लगेला तो विदाई सामने रोहनपट न धेला, असली खेला विदाई में होला। अब विदाई का समय आप सभी के जानिब से, आए हुए सभी श्रोताओं की तरफ से, सभी कलाकारों की तरफ से
जिन्होंने मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, आज इस ग्रीन सिनेमा अवार्ड को 4 चांद दिए। मैं सभी का हाथ जोड़ करके विजय पांडे जी की तरफ से, मैं खुद सोनू सिंह सुरीला सभी का अभिनंदन अभिवादन करता हूं। आप सभी मीडिया के बंधुओं का जिन्होंने इसके प्रकाशन से और 4 चांद लगाए, सभी का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। आप इस अवार्ड फंक्शन को, सारा माहौल तो आपने देखा, बताने की ज़रूरत नहीं है। वृक्ष भी बगल में है, अवार्ड भी बगल में है, सारी चीज़ों को, प्रकृति को और अवार्ड को एक करके भोजपुरी को और समृद्ध बनाने के लिए, उसको सार गर्भित विषय को उजागर करने के लिए आप लोगों के सहयोग से कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं।